सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, अगर ओपन भी हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है वहां पर, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपका प्ले स्टोर ऐप जो ओपन नहीं हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है प्ले स्टोर में, तब आपको क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर हम चलिए फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन एंड परमिशंस, तो आपको इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऐप मैनेजर का, तो आपको ऐप मैनेजर के अंदर आना है। जैसे आप जो ऐप मैनेजर है इसके अंदर आओगे, तो यहाँ पर लोडिंग चलेगी कुछ देर। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपके, वो सारे यहाँ पर लोड होकर के आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर देखना है कहाँ पर है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर हम चलिए ढूंढ लेते हैं। ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये हमारा प्ले स्टोर, तो हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें फोर्स स्टॉप का, ऊपर साइड आप देखोगे यहाँ पर फोर्स स्टॉप, तो इसको पहले फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है एक बार ओपन करने की, अगर फिर भी नहीं होता तब आपको डिसेबल करके फिर से इसको इनेबल करना होगा, ठीक है? जैसे आप इतना काम करते हो उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है, आप इसके बाद ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं ओपन हो रहा तब आपको क्या करना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के अंदर आना होगा। यहाँ पर जैसे आप इंटरनल स्टोरेज के अंदर आते हो, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर देना है। जैसे आप क्लियर डाटा और क्लियर कैच करोगे, उसके बाद आपका जो कि प्रॉब्लम जो होगा वो भी 101% आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर क्लियर डाटा करने से कुछ आपके नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि आपके सेटिंग वगैरह रिसेट हो जाएगी जो भी आपने किया होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने डार्क मोड इनेबल किया, तो आपका डार्क मोड जो है वो अभी इनेबल नहीं रहेगा, वो आपका लाइट में आ जाएगा, ठीक है? और भी कुछ सारी जो है, बहुत सारी सेटिंग्स आप लोग कर लेते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी आपकी रिसेट हो जाएगी। बाकी आपने जो भी ऐप डाउनलोड किए होंगे वो सब आपके सेफ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। आपका जो ईमेल आईडी होगा वो वहाँ से सिर्फ लॉग आउट होगा, डिलीट नहीं होगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना, वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी होगा अगर आप से क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर दे, तो ये सर आपका हो जाएगा, और बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? इस चीज से अगर आपके ऐप में दिक्कत थी, तो अगर आपके कोई और दिक्कत है, कुछ और एरर आता है, तो उसकी ये वीडियो नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो से सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है ये मुझे जरूर बताना।